नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ। ये बहुत ही मेन पाठ माना गया है, जिसमें कि स्वयं अर्जुन को ज्ञान हो गया और वो कहा मतलब उनके जो मोह का है वो नाश हो गया था। तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धवात् तव प्रसादार्थ मया कृष्ण मया च्युता। तो भगवान की कृपा प्रसाद से उसका मोह नष्ट हुआ। तो अब सुनेंगे ध्यानपूर्वक। अथ अष्टमो अध्याय। अर्जुन वाच संन्यास्या महाबाहु तत्वमिच्छामि वेद वित्तम् त्यागस्यः च ऋषिकेशः पृथक्केशनिषुदनः। श्री भगवान वाच, काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्रभुर्त्यागम विचरणः त्याज्यम देव दोषवदी त्यक्ये कर्म प्रभुर्नामीशे यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमीति चापरे निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागो भारत सत्तमः त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संपकीर्तितः यज्ञदान तपः क्रमः न त्याज्यः कार्यमेव ततः यज्ञो दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणम् एतन्यापि तु कर्माणि संगत्याकत्व फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थः निश्चितं मत्तुम उत्तमं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपधते मोहतस्य परित्यागस्य परिकीर्तिनः दुःखमित्येव यत्कर्म कायकलेश भयात् जेतः सः कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेतः। अर्थ सुनेंगे। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म पात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के लिए योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्म को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरी निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्म का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार से भी नहीं पाता। फिर आगे देखेंगे। कार्यमित्यवम यत्कर्मणः नियतः क्रियते अर्जुनः संगत्याकत्व फलं चैव सात्याग सात्विकमतः।
ना दृष्टया कुशलं कर्म कुशलेनानुम जायते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघावी छिन्न संशयः नाहि देहभृता संख्यं त्याग्युत्वः कर्म शेषतः यस्तु कर्म फलं त्यागी सत्याग भीतयति अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधा कर्मण फलं भावत्यानि प्रेत्यः नातु सन्यासिनां क्वचितः पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोधमि सांख्ये कृत्यन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणम् अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम् च पृथ्वीगंधनम् विविधस्य पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवांग मनोभिर्यात् कर्म प्रभारभते नरः नान्यां वा विपरतितां वां वा पचेते तस्य हेतव्य तत्रैव सति कर्तरात्मानां केवलं तु यः पश्यात् कृतबुद्धिनश्च स पश्यन्ति दुर्मतिः यस्य नाहं कीर्तो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स जम्मलोकानः अन्तिनः निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञातः त्रिविधा कर्म चोदनः कारणं कर्म करते त्रिविधय कर्म संग्रह अर्थ सुनेंगे। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है उसी भाव से असत्य और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से असक्त नहीं होता वह शुद्ध सात्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना स्वाक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी है यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने से मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको तू मुझसे भली भांति सुन जान। इस समय इस विषय पर अर्थात कर्मों का सिद्ध में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण और नाना प्रकार की अलग अलग अकल चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु देव है। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल तथा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांच कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थ में तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता वह पुरुष इन सब लोकों को मार कर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप में बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार ही कर्म प्रेरणा हैं और कर्ता, कारण और क्रिया ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधे गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्येन यथा वृक्षणु तन्यपिह सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्यामिच्छति अविभक्तः विभक्तेषु तज्ज्ञानं वृद्धि सात्विकं पृथक्तेन तु यज्ञानां नानाभाव
पृथग्योधान वेति सर्वेषु भूतेषु ताज्य ज्ञानं वृद्धिराजसं यतु कृत इस्तवन्नेदक इस्मिनः कार्येणः सक्त महेतु कर्मः अथत्वार्थः वदल्पः च तताम समुदाहतम नियतम सागरहिताम रागद्वेषतः कृताम आफलम प्रेप्सुणः कर्मः यत् सात्विकमुच्यते यातु कामी शुनः कर्म सहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसं तद्र समुदाहतम अनुबंधम क्षयम् हिंसामविच्छेय च पौरुषम् मोहदारभयाते कर्म यत संयुच्यते मुक्त संगो नहं वादी धातु सह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेत्सु लुभते हिंसात्मको आसुचिः हर्ष शोकवन्तः कर्ता राजसः परिकीर्तितः आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः साष्टुः नैष्कृत्योको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते बुद्धिभादि घृतेष्येव गुणास्त्रिविधं शृणुः प्रोच्चयामानशेषणः पृथक् तेन धनंजय। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उसको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव में स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सादृश्य असक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने से हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों के कष्टों को देने के स्वभाव वाला अशुद्ध चारी और हर्ष शोक में लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता आयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तः च निवृत्तः च कार्य करिये भायति भायभे बंधम मोक्षम च इवेति बुद्धया सह पार्थ सात्विकः यया धर्म धर्म च कार्य च कार्यमेव च अत्यत्व प्रजनान्ति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्म धर्ममीति यः
मान्यते तमसा वृतः सर्वार्थन विप्रितस्यः बुद्धि सा पार्थ तामसिह घृत्याययः धार्यते मनः प्राणेन्द्रिया क्रियः योगन्व्याभिचारिणः घृति सा पार्थ सात्विकिः यया तु धर्मार्थत्या धार्यते अर्जुनः प्रसंगेन फलाकांक्षिः घृति सा पार्थ राजसिः ययम् स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्गतिः दुर्मेधः घृति सह पार्थ तामसिः सुखं त्विन्दानिः त्रिविधं शृणु मे भारतशभः अभ्यासद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छन्ति यत्तग्रविष्मीवः परिन्मे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं मात्मबुद्धिप्रसादमजः विषेन्द्रियसंयोगतक्रे अमृतोपहं परिमाणे विष्मीव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहमात्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम ततम समुदाहतम। अर्थ सुनेंगे। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानता है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेता है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को विपरीत मान लेता है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह घृति सात्विकी है। परंतु हे पार्थ पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाले मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत अशक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, शांति, चिंता, दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख से साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है और जिससे दुखों की अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए यह परम विषयक बुद्धि से प्रसाद से उत्पन्न होने वाले सुख सात्विक कहा जाया है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। तो ये भगवद गीता का आखिरी श्लोक है। अगर आपको विजय प्राप्ति करनी है कोई भी चीज़ों में, या आप कोई जॉब के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू है, तो ये 21 बार करके जाना है, इससे आपको विजय प्राप्ति होगी। तो इसका अर्थ सुने। हे अर्जुन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ पर ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रेण श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगे नाम अष्टदशो अध्यायः।